चैप्टर टू है आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मतलब पौधों में लैंगिक जनन, पौधों में लैंगिक जनन, पौधों में लैंगिक जनन। लिख लीजिए हेडिंग। लिख लिया। बच्चों, पौधों में लैंगिक जनन शुरू करने से पहले एक फिगर ड्रा कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके जनन अंग होते कैसे हैं। हालांकि कल की जो पहला चैप्टर पढ़ा गया था उसमें भी इसकी चर्चा हुई थी। ठीक है, हमने एक फ्लावर की संरचना बनाई है। बच्चों जरा आप लोग बताइए कि इसमें क्या क्या होगा, इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, पेटल, क्या कहेंगे, पेटल माने दल। ठीक है, पेटल मतलब दल या दलपुंज, और बहुत सारे आपस में जुड़ते हैं तो इसे कोरोला बोलते हैं, कोरोला, कोरोला। एक सिंगल को दल और बहुत सारे आपस में जुड़ जाए तो दल पुंज या कोरोला बोलेंगे, सिंगल को पेटल बोलते हैं। ठीक, हाँ, दल बना है तो बाह्य दल भी बना दें। बाह्य दल सामान्यतः हरे रंग का होता है। बाह्य दल को बोलते हैं, सिंगल बाह्य दल को बोलते हैं सेपल और उनके समूह को बोलते हैं कैलिक्स। जी, सिंगल को क्या बोल देंगे, सेपल, और उनके समूह को बोलेंगे कैलिक्स, CALY, यस, गुड। और इसे हिंदी में लिखेंगे बाह्य दल, बाह्य दल। ठीक, बाह्य दल, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। चल ये बताओ बेटा, ये क्या चीज है, गुलाब वाला उदाहरण याद है, पेडिसिल, पेडिसिल, पेडिसिल किससे जुड़ता है, थैलेमस से। ये क्या चीज है, थैलेमस, इसको बोलते हैं थैलेमस या पुष्पासन, PHALAMUS, थैलेमस या पुष्पासन, थैलेमस या पुष्पासन। तो पुष्पासन नहीं बोलते हैं, ऐसा लगता है कि महाराजा धीराज बैठे हों, तो थैलेमस ज्यादा सीख लग रहा है अंग्रेजी में। ठीक है, ये बताओ क्या चीज है, ये ब्लू कलर से जो है, एंथर, वेरी गुड, एंथर,
एंथर, ये क्या चीज है? फिलामेंट। क्या चीज है? फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट मिलकर के क्या बना लेते हैं? एंड्रोईसियम, एंड्रोईसियम या स्टेमेन, एंड्रोईसियम या स्टेमेन। एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बना लेते हैं? एंड्रोईसियम या स्टेमेन, एस टी एम ई एन। ओके, क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज है बताना बच्चों? ये क्या? स्टिग्मा। वेरी गुड, स्टिग्मा। ये क्या चीज है? स्टाइल। और ये क्या चीज है? ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये मिलके क्या बनाती हैं? कार्पल या गाइनोसियम, कार्पल या गाइनोसियम। इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? कार्पल, सी ए आर पी ई एल, कार्पल। या उसे क्या बोलेंगे? गाइनोईसियम, गाइनो ई सी आई यू एम, गाइनोईसियम। ठीक है। अच्छा, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ठीक, ओवरी के अंदर क्या होगा? ओव्यूल होगा। ठीक है, ओव्यूल होगा। बना लो बेटा, जरूरी है। अब लिखना है पुष्प के भाग, पहले इसे बना लो फिर बताता हूं क्या लिखना है इसमें। कलर पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? हाँ, ठीक है, कलर पेंसिल का इस्तेमाल करना सही रहेगा आप सबके लिए। सर, ऑनली ऑब्जेक्ट का होगा? क्या बेटा, क्या कह रही हो बेटा? ऑब्जेक्ट का होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब? ऑनली ऑब्जेक्ट्स वगैरह नहीं, या फिर क्वेश्चंस बोले? क्या बोल रही हो? क्या मैंने बोला? ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। नहीं नहीं आपका थियोरी का भी टेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि लिखना भी तो आना चाहिए परीक्षा में, लैपटॉप भी तो लेना है हमें, डॉक्टर तो। हाँ बोलो। पढ़ लिया है, याद हो गया है सबको? एक दिन सर, बोलो बोलो सर, आप कल लेने वाला हम लोग के लिए 11 बजे से क्लास है, मुझे इसकी सुबह नहीं है। कल सुबह आप लोग फ्री नहीं हैं, लेकिन शाम सुबह मैं तो, आप फ्री हैं सुबह, लेकिन हम सुबह फ्री नहीं हैं, विद्यालय मॉर्निंग में हो गया है। आप लोग स्कूल नहीं जाते? नो सर। इसीलिए स्कूल जाइए, ठीक है। बन गया फिगर, लिख लो फिगर सोइंग फ्लावर एंड इट्स कंपोनेंट। फ्लावर सोइंग, फिगर सोइंग फ्लावर एंड इट्स कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब भाग, उसके जो जितने एलिमेंट हैं वो सब दिखाया जा रहा है इसमें। फिगर सबका बन गया है, तो क्या लिखना है ये जान लो। ठीक है बच्चों, जो पौधा हम देखते हैं, जो भी पौधा हम देखते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती, फूल और फल,
दिखाई देते हैं, जड़ तना पत्ती फूल और फल, जड़ तना पत्ती फूल और फल पांच चीजें दिखाई देती हैं, उसको बोलेंगे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो स्पोर से उत्पन्न हो उसे बोलेंगे स्पोरोफाइट, जो स्पोर से उत्पन्न हो स्पोरोफाइट, और जो गैमीट को बनाए, जो गैमीट को उत्पन्न करे उसे बोलेंगे गैमीटोफाइट। ठीक, फिर से सुन लो, जो स्पोर से उत्पन्न हो उसे बोलेंगे स्पोरोफाइट, और जो गैमीट को बनाए उसे कहेंगे गैमीटोफाइट। अब देखते हैं, जिसका संबंध स्पोर से होगा स्पोरोफाइट, जिसका संबंध गैमीट से होगा वो गैमीटोफाइट। तो जो पौधा हम समाज में देख रहे हैं, जो सोसाइटी में लगे रहते हैं, जो पेड़, वास्तव में वह प्लांट जो है स्पोरोफिटिक होते हैं। स्पोरोफिटिक इसका मतलब क्या हुआ, एक तो वो स्पोर से उगे हैं, मेल फीमेल फ्यूज किए फिर उससे सीड बना, उस सीड से उगे हैं वो। ठीक, इसको कहेंगे स्पोरोफिटिक प्लांट, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफिटिक को हिंदी में बोलते हैं बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद अवस्था। तो ये फिगर बन गया है सबका, अब स्टार लगा के लिखते जाइए। पौधे जो सामान्यतया जड़ तना पत्ती फूल तथा फल में विभाजित होते हैं, वे पौधे की बीजाणुद्भिद अवस्था, बीजाणुद्भिद इंग्लिश में स्पोरोफाइट लिखिएगा, बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। स्पोरोफाइट अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जड़ तना पत्ती फूल और फल जो बनाए वो कौन सी अवस्था है, स्पोरोफाइट अवस्था, बीजाणुद्भिद अवस्था, स्पोरोफिटिक अवस्था या स्पोरोफाइट अवस्था। ठीक है, स्पोरोफिटिक या स्पोरोफाइट अवस्था लिख लिया बच्चों। Yes, sir. अब एक ओवरव्यू दिखा रहा हूं कैसे उत्पन्न होते हैं। अगर स्पोरोफाइट लिखा है तो गैमेटोफाइट भी जान जाओ, गैमेटोफाइट अवस्था क्या है। स्टार लगा के दूसरा लिखो, स्टार लगा लो और दूसरा लिखो, पौधों की गैमेटोफिटिक अवस्था में केवल युग्मकों का निर्माण होता है, पौधों की गैमेटोफिटिक। स्पोरोफाइट ये हो गया बच्चों, स्पोरोफाइट की हिंदी है बीजाणुद्भिद और गैमेटोफाइट की हिंदी है युग्मकोद्भिद, पौधों की युग्मकोद्भिद विद गैमेटोफिटिक। इंग्लिश में लिखो गैमेटोफिटिक, अवस्था में गैमीट्स का उत्पादन होता है या युग्मकों का, मेल और फीमेल का जो स्पर्म और ओवा बनता है वो क्या है, गैमीट है, वो क्या है, गैमीट है। तो वो जब प्रोड्यूस किया जा रहा है, जब मेल और फीमेल प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसको कहेंगे गैमेटोफिटिक अवस्था, गैमेटोफिटिक अवस्था। और जो स्पोर बना है, जो बीज को बना रहा है उसे कहेंगे बीजाणुद्भिद अवस्था। हमेशा बच्चों कन्फ्यूजन दूर रखना, जो बीज को बना रहा है बीजाणुद्भिद, जो गैमीट को बना रहा है वो गैमेटोफिटिक या युग्मकोद्भिद। समझ में आ रही बात, बीज को बनाने वाला स्पोरोफिटिक या बीजाणुद्भिद, जो गैमीट को बनाए मेल और फीमेल को बनाए वो क्या है, गैमेटोफिटिक अवस्था, जो युग्मकों को बना रहा है। समझ में आ रही बात, किसी ने कुछ मैसेज किया, राखी तुम्हें आवाज़ स्लो आ रही है या ठीक है बेटा, आवाज़ आ रही है राखी? Yes, sir. तो अभी तो सब क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, कहीं कोई आवाज सही आ रही है ना? Yes,
मुझे दो चीज बताओ, दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है, बस ये बताओ। Yes, sir. तो ध्यान से सुनो फिर से, वह अवस्था जिसमें बीजाणुओं का उत्पादन हो उसे कहेंगे बीजाणुद्भिद अवस्था। ठीक, अंग्रेजी में बीजाणुद्भिद को स्पोरोफाइट कहते हैं। अपने मन में सोचो आंख बंद करके, वह अवस्था जो बीजाणुओं को उत्पन्न करे बीजाणुद्भिद अवस्था, या अंग्रेजी में कहेंगे स्पोरोफिटिक, स्पोर का मतलब बीजाणु। अच्छा, वह अवस्था जो युग्मकों को प्रोड्यूस करे उसे कहेंगे युग्मकोद्भिद अवस्था या गैमेटोफिटिक अवस्था, या गैमेटोफिटिक अवस्था। बच्चों आंख बंद कर लेने से क्या होता है, आप बाकी दुनिया से कट जाते हो, ब्रेन का सीधे आपकी जुबान से कॉन्टैक्ट हो जाता है और आप समझने और सोचने लगते हो। इसीलिए मैं अभी पहली बार है, लेकिन कई बार मैं ऐसा कहूँगा कि आँख बंद करके सोचो। ठीक है, कई बार आँख बंद करके मेडिटेशन भी किया जाता है ना, ये मेडिटेशन का एक तरीका है। समझ गए आप लोग, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद समझ गए हैं, सभी लोगों को समझ में आ गया है। अब बच्चों ये जानो, जो पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं जिसमें जड़ तना पत्ती फूल फल हैं, सामान्यतया जो हमें दिखाई देते हैं जड़ तना पत्ती फूल और फल हैं, वह क्या हैं, वह हैं बीजाणुद्भिद अवस्था, स्पोरोफिटिक। वह क्या दिखा रहा है, स्पोरोफिटिक। ये जो प्लांट बन रहा है वो क्या है, स्पोरोफाइट है। वो क्या है, स्पोरोफाइट है। अच्छा ये क्या है, एंथर जो बना हुआ है वो क्या है, वो गैमेटोफाइट है, क्योंकि वो क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा। वो क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा। तो पौधों की युग्मकोद्भिद अवस्था में मेल तथा फीमेल, नर तथा मादा गैमेट्स का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। निकलो तथा मेल तथा फीमेल, नर तथा मादा। बच्चों मैंने आपको कहा था कि मैं नर और मादा को अब सिर्फ चिन्ह से बताऊंगा, ठीक है, नर मादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेल कर लेंगे फीमेल कर लेंगे। हाँ परीक्षा में कोशिश करना कि लिख लेना, क्योंकि क्या पता आजकल, हालांकि मुझे संदेह नहीं है कि शिक्षकों को पता होगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। जरूर पता होगा चेक करने वालों को, लेकिन नहीं पता रहा तो तुम्हारे नंबर कटेंगे, इससे अच्छा है लिख लेना, मैं नहीं लिखूंगा। मेल तथा फीमेल युग्मकों, जिसे ब्रैकेट में लिखना गैमीट्स का निर्माण होता है, मेल तथा फीमेल गैमीट्स का निर्माण होता है, लिख लो फटाफट। लिख लिया? Yes, yes. चलो मिटा रहे हैं बच्चों। अब आप हमें जरा बताओ, जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं हमें वो क्या बना, क्या है, कौन सी अवस्था है पौधों की, कौन सी अवस्था है, गैमेटोफाइट अवस्था। कौन सी अवस्था है, गैमेटोफाइट अवस्था। फंसा दिया, मेरा काम है आपको गलत कुमार्ग पे ले जाना। अरे भाई, जो पौधे हमें दिखाई रहे हैं जो जड़ तना पत्ती फूल और फल बनाते हैं वो बीजाणुद्भिद अवस्था है, जिसे कहते हैं स्पोरोफाइट। क्या कहते हैं, नकल मार लेते। मैंने पूछा था कि जो जड़ तना पत्ती फूल और फल बनाते हैं वो कौन सी अवस्था है पौधों की सामान्यतया, तो आप क्या जवाब देंगे कि वो कौन सी अवस्था है, स्पोरोफाइट। क्या अवस्था है, स्पोरोफाइट अवस्था है, बीजाणुद्भिद अवस्था। आप लोगों ने क्यों नहीं जवाब दिया, बोलो। एक ऑनलाइन में एक मजा है, टीचर बोलेगा तुम लोग ऐसे चुप, पता ही नहीं टीचर आपको हंस रहे होगे पता चला। चलो चलो, तुम लोगों को अगर डॉक्टर बन गए ना, तुम्हारे मरीज तुम्हें परेशान करें। अब कैसे पौधे अपनी एक जीवन चक्र को पूरा करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करते हैं, एक फ्लो चार्ट बना दे रहा हूँ, आप लोग उसे बना लीजिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बीज है, बीज को अंग्रेजी में सीड बोलते हैं। ठीक है,
बीज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। अब ये सीड क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। ये सीड क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट का मतलब अंकुरित होना, अंकुरित करके नया पौधा बनाएगा। सीड से क्या बना? प्लांट बन गया। सीड से क्या बना? प्लांट बन गया। तो अब क्या बना? पुष्पीय पादप या फ्लावर, प्लांट बन गया। सीधे प्लांट लिखो, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की हिंदी पुष्पीय पादप, पुष्पीय पादप। जिसको हिंदी में लिखना हो लिख लेगा, ठीक है? फ्लावरिंग प्लांट। समझ में आ रहा है बच्चा? आ रहा है? यस सर। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट बन गया। अब बच्चों, फ्लावरिंग प्लांट में क्या बनेगा? फूल बनेगा। क्या बनेगा? फ्लावर, फ्लावर बनेगा ना। और फ्लावर में क्या होंगे? मेल और फीमेल जननांग, मेल और फीमेल जननांग। मेल जननांग को क्या बोलेंगे? एंड्रोइसियम। और फीमेल जननांग क्या बोलेंगे? गाइनोइसियम। एंड्रो ईसियम और फीमेल जननांग को क्या बोलेंगे? गाइनो ईसियम। एंड्रो ईसियम और गाइनो ईसियम बोलेंगे। एंड्रो ईसियम का दूसरा शब्द क्या होता है बच्चों? स्टेमेन। इसको क्या बोलते हैं? कार्पल। इसको और क्या बोलते हैं बच्चों? एंड्रो ईसियम को हिंदी में क्या बोलेंगे? पुमंग। क्या बोलेंगे? उमंग। हाँ, उमंग बोलेंगे या पुंकेसर बोलेंगे। उमंग लिखो, उमंग। और इसको क्या बोलेंगे? जायांग, जायांग। देखो तीन शब्द लिखवाए हैं, तीनों याद रखना है, ठीक है? कहीं कोई भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक। अब बच्चों, एंड्रोइसियम से पॉलन बनेगा। पॉलन का मतलब पुंबड़ू या पराग कण, पराग कण। पॉलन, पी ओ डबल एल ई एन, पी ओ डबल एल ई एन, पॉलन बनेगा। इससे क्या बनेगा? एग बनेगा। क्या बनेगा? एग बनेगा। एग का मतलब अंडाणु। यह है पॉलन और यह है अंडाणु। अब यह आपस में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। आपस में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। समझ में आया? आपस में क्या करेंगे? या रुको रुको, एक स्टेप अभी रुक जाओ, इसको ऐसा करते हैं, मिटा दो। आप लोग लिखे तो नहीं थे? लिखे होगे तो काट काट दो, कोई समस्या नहीं। पुमंग के अंदर बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। भविष्य के लिए जरूरी है ये, बता देना। चाहते तो वहां से शुरू कर सकते थे, लेकिन बाद में इस्तेमाल करूंगा, इससे पहले यही बता दूं। माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहां बनेगा मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, मदर सेल। बच्चों इसमें होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। इससे क्या होगा? ये सब 2n था, ये क्या था? 2n था। फ्लावर क्या था? 2n था। ये क्या था? 2n था। ये गाइनोसियम क्या है? 2n। लेकिन जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हो जाएगा और उससे जो माइक्रोस्पोर या पॉलन बनेंगे वो होंगे एन। तो यहां पर दूसरे कलर की पेन से लिखेंगे मियोसिस को, मियोसिस, एम ई आई ओ एस आई एस, एम ई आई ओ एस आई एस, ठीक है? मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन, जहां पे क्रोमोजोम अगर दो हो तो वो एक एक हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे मियोसिस हो गया बच्चों। मियोसिस से क्या बना? माइक्रोस्पोर बना, माइक्रो
स्पोर बना, मेगा यहाँ क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा, मियासिस से क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा, ठीक है, मेगा स्पोर बनेगा। बच्चों इसी माइक्रोस्पोर को मेल गैमिटोफाइट या मेल गैमिट बोलेंगे, मेल गैमिट बोलेंगे या पॉलन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेल गैमिट या पॉलन। ये जो है आगे चल के मेगा स्पोर ही कन्वर्ट होता है किसमें, एग में, मेगा स्पोर एग में या फीमेल गैमिट में कन्वर्ट हो जाएगा, फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट बनाएगा और फीमेल गैमिट यानी कि एग बना देगा। ये पॉलन और ये एग आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, बना देंगे क्या, जाइगोट। जाइगोट को हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मनज, जाइगोट को हिंदी में कहते हैं युग्मनज, युग्मनज, जाइगोट को हिंदी में कहते हैं युग्मनज, यहां तक नोट करो। प्रक्रिया मैं बता रहा हूं, फिर बाद में इसके एक एक पर डीप डीप चर्चा होगी, गहराई से चर्चा होगी, कैसे एंड्रोइसियम बना, उसके अंदर पॉलन कैसे बने, कैसे मियोसिस, ये सारी चर्चा होनी है, ठीक है। जाइगोट बन गया, अब इस जाइगोट, जाइगोट ये देखो, ये एन था, ये क्या था, ये भी एन था, तो ये क्या हो जाएगा, ये टू एन हो जाएगा, ये टू एन हो जाएगा, ये जाइगोट बच्चों बना देगा इम्ब्रियो, जाइगोट क्या बनाएगा, इम्ब्रियो बना देगा। इम्ब्रियो को हिंदी में क्या कहेंगे, भ्रूण, क्या बोलेंगे, जी हाँ, भ्रूण बनाएंगे, इम्ब्रियो को हिंदी में भ्रूण कहते हैं। यही इम्ब्रियो और मेच्योर होकर के बीज बना देता है, और मेच्योर होकर क्या बना देता है, सीड बना देता है। ध्यान देना बच्चों, इसमें हमने इम्ब्रियो सैक के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में इत्मीनान से बताएंगे, फिलहाल यह रफली नोट कर लीजिए। तो ये भी क्या होगा, 2n होगा, क्यों, क्योंकि ये भी क्या होगा, 2n है। यहाँ आप लिख लेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आवृत बीजी पौधों का जीवन चक्र। बना लिया आप लोगों ने, मिटाएं, मिटाते हैं। हो जाए तो बताना, सभी लोगों का हो गया, yes, sir. हेडिंग लिखिए पुष्प के भाग, पुष्प के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पुष्प के भाग। पार्ट्स ऑफ फ्लावर
बाह्य दल, नाम सुना है आप लोगों ने? पूछेगा बेटा, दो नंबर में पूछता है कि फ्लावर के भागों के नाम लिखिए, तो कौन सा होगा सबसे पहले? बाह्य दल। क्या होगा? बाह्य दल। बाह्य दल को अंग्रेजी में कहते हैं सेपल। क्या बोलेंगे? सेपल। और बहुत सारा ग्रुप हो जाएगा तो उसे बोलेंगे कैलिक्स। क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? ग्रुप को क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं, ग्रुप को कैलिक्स कहेंगे, ठीक है। दूसरा हो जाएगा दल। कई बार दल पुंज भी लगाया जाता है, हम सिर्फ दल की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें पेटल बोलना है। दल को क्या बोलेंगे? पेटल। दल को क्या बोलेंगे? पेटल। एक इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे? पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे? कोरोला। कोरोला। तीसरा है एंड्रोइसियम। पहले तो उसे हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे हिंदी में बोलेंगे नर जननांग, पुमंग। क्या बोलेंगे? पुमंग। पुमंग। अंग्रेजी में बोलेंगे एंड्रोइसियम, ECIUM, एंड्रोइसियम, एंड्रोइसियम। चौथा जायांग, जायांग। जायांग को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? गाइनोइसियम, गाइनोइसियम। एंड्रोइसियम को और कौन से दूसरे शब्द से बताते हैं? स्टेमेन कहते हैं इसे। क्या बोलेंगे इसे? स्टेमेन। गाइनोइसियम का दूसरा और क्या शब्द कहते हैं? दूसरा कहते हैं इसको, गाइनोइसियम को कहते हैं इससे वो है, अरे कार्पल, कार्पल। क्या बोलेंगे? गाइनोइसियम को कहते हैं कार्पल। यहाँ तक सही है बच्चों? लोग पूछते हैं कि दल का क्या कार्य है, तो सीधा सीधा बताइएगा, दल का कार्य है, यानी कि आप लोगों को कारण पूछा जाएगा कि फ्लावर जो है कलरफुल होता है, उसके जो पेटल्स होते हैं क्यों कलरफुल होते हैं, तो उसका सीधा कारण यह है कि वह इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, रंग से इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और अगर कोई पूछे कि ये फ्लावर में सुगंध क्यों होती है, तो आप बताइएगा फ्लावर्स को आकर्षित करने के लिए होता है। फिर लोग आपसे पूछेंगे क्यों आकर्षित करना क्यों ज़रूरी है, तो कहिएगा जब वो फ्लावर पर आकर बैठेंगे तो एंड्रोसियम से टूटेगा, एंड्रोसियम टूटेगा तो चिपकेगा, मेल गैमिट चिपक जाएगा उससे और वो पहुंच जाएगा गाइनोसियम के ऊपर और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। समझ में आ गई ये बात? Yes. ठीक है। अब देखियो बच्चा, इसका कार्य क्या है? इंसेक्ट को आकर्षित करना। इंसेक्ट का मतलब कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट को आकर्षित करता है, इंसेक्ट को आकर्षित करता है, ठीक है। पुमंग या एंड्रोसियम क्या चीज है? मेल जननांग है, मेल जननांग है। गाइनोसियम क्या है? फीमेल जननांग है। इसको बना लो, ये फ्लावर का, जहां पूछेगा कि फ्लावर के पार्ट्स बताइए तो ये लिख लेना, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। हाँ बच्चों, और एक चीज, और एक चीज तो मैं बताना चाहता हूं, बाह्य दल और दल को वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं, वेजिटेटिव कायिक पार्ट, वेजिटेटिव। और पुमंग तथा जायांग को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। बाह्य दल और दल क्या किसी प्रकार का गैमिट बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं, इसीलिए इसे हम लोग वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं, कायिक पार्ट बोलते हैं, कायिक अंग बोलते हैं। लेकिन पुमंग और जायांग रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, फ्लावर क्या है? फ्लावर खुद ही एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव अंग है। उसके अंदर कौन सा स्पेसिफिक पार्ट जो है रिप्रोडक्शन का काम करता है? तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम करता है। बाकी ये दोनों दो पार्ट हैं इंसेक्ट को आकर्षित करने का काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। समझ में आई ये बात? अच्छा, इसके अलावा वेजिटेटिव पार्ट और भी बहुत सारे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? जड़, तना, पत्ती, ये क्या है? वेजिटेटिव पार्ट। जड़, तना, पत्ती, दल और दलपुंज, ये सब क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है।
लेकिन फ्लावर के पार्ट अगर पूछेगा तो चारों का नाम लिखना पड़ेगा, सेपल पेटल कैलिक्स और सेपल पेटल कार्पल और गाइनोसियम एंड्रोसियम, सेपल पेटल कार्पल और स्टेमेन, ये चार चीज लिखनी पड़ेगी। बाह्य दल और दल को एसेसरी, यहां ऐसे भी लिख लो, सहायक अंग, सहायक अंग। बाह्य दल और दल को क्या बोलेंगे? सहायक अंग भी बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट, सहायक अंग। किसको बोलेंगे? फ्लावर का बाह्य दल और दल को, बाह्य दल और दल को बोलेंगे सहायक अंग, एसेसरी पार्ट, एसेसरी, ए डबल सी ई डबल एस ए आर वाई, एसेसरी पार्ट, एसेसरी पार्ट भी कहते हैं। और पुमंग और जायांग को क्या कहेंगे? भाई उतना इसेंशियल है, नेसेसरी पार्ट। अगर दल पुंज, एक प्रश्न पूछा था बच्चों बहुत पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वह पूछा था कि पौधों में एसेसरी और नेसेसरी भागों को निम्नांकित रूप में लिखते जाइए। तो पहले एसेसरी कौन से दो पार्ट थे? एसेसरी पार्ट है फ्लावर का दल और बाह्य दल और दल। नेसेसरी पार्ट कौन है जिसके बिना अस्तित्व खत्म हो जाएगा? वह था उमंग और जायांग, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो यहां लिख लो, ऐसे ही बना करके लिख लो, एसेसरी को नेसेसरी, एन ई डबल सी ई डबल एस ओ आर वाई, नेसेसरी पार्ट या आवश्यक अंग, अति आवश्यक अंग। बच्चों ये तो अति आवश्यक है, लिख लेना। कि एसेसरी पार्ट कौन सा है और नेसेसरी पार्ट कौन सा है, तो आप बता सकेंगे फ्लावर में दो पार्ट एसेसरी है, दो पार्ट नेसेसरी है, ठीक है। दो पार्ट कौन कौन से एसेसरी हैं? वह है कौन कौन से एसेसरी हैं? ठीक है, नेसेसरी, वेरी गुड। अब एक चीज और, थैलेमस क्या चीज़ है? थैलेमस वह हिस्सा है जिस पर फूल के सभी पार्ट आकर के स्थित होते हैं, आकर के स्थित होते हैं या बैठते हैं, जैसे कार्प स्टेमेन, कार्पल, फ्लावर, क्या कहते हैं, कोरोला और कैलिक्स, ये सब किस पे जुड़े रहते हैं, किस पे आके बैठे रहते हैं? थैलेमस पे, थैले पुष्पासन, नाम से स्पष्ट है, पुष्प का आसन जिस पे सारे अंग आकर के उसी पर बैठे। जैसे आप सब अभी या तो कुर्सी पर बैठे होंगे तो वो आपका क्या है? आसन है, या आपका क्या है? जिस पे बैठे हैं वो आपका आसन है। इसी तरह इसीलिए थैलेमस क्या चीज़ है? थैलेमस भी पुष्प का आसन है। लिख लीजिए, स्टार लगा के लिखते जाइएगा इसको, थैलेमस। थैलेमस पर पुष्प के सभी भाग आ करके स्थित रहते हैं, या थैलेमस पर पुष्प के सभी भाग स्थिर रहते हैं, स्थित रहते हैं, पुष्प के सभी भाग स्थित रहते हैं।